कभी क्या परिचय होने के बाद हम कविता पढ़ेंगे, देख लीजिए। अंधेरे के इलाके में किरण मांगा नहीं करते, जहां वो कंटकों का वर सुमन मांगा नहीं करते, जिसे अधिकार आदर का झुका लेता स्वयं मस्तक नमन स्वयं मिलते हैं नमन मांगा नहीं करते। पुरों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नव सारा, उड़ानों के लिए पंछे गगन मांगा नहीं करते, जिसे मन प्राण से चाहा निमंत्रण के बिना उसके सपन तो खुद ब खुद नयन मांगा नहीं करते। जिन्होंने कर लिया स्वीकार पश्चाताप में जलना, सुलगते आप बाहर से अगन मांगा नहीं करते। इस कविता के द्वारा कवि ने क्या बताया है, जैसे कि हर एक पंक्ति का अर्थ हम देख लेंगे। जैसे कि पहले पंक्ति में कवि ने बताया है, जैसे कि जहां अंधेरा होता है वहां प्रकाशों की मांग में नहीं करनी चाहिए, उसी तरह जहां कांटों का वन होता है वहां फूलों की मांग में नहीं करनी चाहिए, जैसे कि हमें अपने इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए। जहां हमें मिलता ही नहीं है वह मांगकर कोई फायदा ही होने वाला नहीं है, इसीलिए हमें अपने इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए। जैसे हम जिन व्यक्तियों का, जैसे दूसरे पंक्तियों में क्या बताया है, जैसे जो व्यक्ति आदर का योग्य होता है उसे किसी को नमन मांगने की जरूरत नहीं है, उसे खुद ब खुद मिलते हैं, क्योंकि वह नमन के लायक होता है, नमन के योग्य होता है, इसलिए उसे खुद ब खुद उसे नमन मिलते हैं, नमस्कार मिलते हैं। जैसे कि अगले पंक्तियों में कवि ने बताया है, जैसे कि पंछी आकाश में उड़ने लगते हैं वहां सीमा ही नहीं होती है, उसी तरह हमें अपने जीवन में पाने की कुछ लालसा अगर रखते हैं तो हमें भी काम करने की कोई सीमा नहीं रहती है, हमें सीमाहीन होकर हमें काम करना चाहिए, सब कुछ हमें मिल जाता है। जैसे कि अगले पंक्ति में कवि ने कहा है, जैसे कि हम जिसे चाहते हैं या जिस जान से चाहते हैं उसे देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह तो हमारे दिल में होता है, और इसीलिए देखने के लिए आंखों की जरूरत हमें जरूरत ही नहीं है, इसीलिए उसे अपने दिल में जी जान से चाहना चाहिए, उसे आंखों के देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है। और आखिरी पंक्ति में कवि ने यही कहा है कि जिन लोगों हर एक से गलती होती है, लेकिन गलतियां पर जिन्हें पछतावा होता है उन्हें जलने के लिए अग्नि की जरूरत नहीं है, वह या उन्हें चेताने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उन्हें अपने गलतियों का निश्चित रूप में वहां उन्हें पछतावा होता है। और इसी तरह कवि ने इन पंक्तियों के द्वारा, जैसे कि इच्छाओं को सीमित रखना, मनुष्य के अंदर विनम्रता होनी चाहिए, जैसे कि जीवन में हमें ऊंचे लक्ष्य रखने चाहिए, इतना ही नहीं जीवन में दूरदर्शिता होनी चाहिए और अपने गलतियों का एहसास भी होना चाहिए और उसका पछतावा भी हमें होना चाहिए, क्योंकि गलती हर एक से होती है, लेकिन जिन्हें पछतावा होता है उन्हें चेताने की जरूरत नहीं होती है। इसी तरह हमें अपने जीवन को गहराई से हमें देखना चाहिए।